चलिए हमें आज का टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? हाँ कीबोर्ड से पहले ऑप्टिकल माउस है, वो नहीं पढ़ा। पहले कीबोर्ड से करें, जो इम्पोर्टेंट है पहले वो करा। देखिए कीबोर्ड के अंदर आपके पास एक डायग्राम होती है, सही। उस डायग्राम में जरा देखें, कीबोर्ड के नीचे ना एक नीचे यहाँ पर ग्रिड बिछी हुई होती है, इसको बोलते हैं की मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? की मैट्रिक्स। सारी की सारी की इसके ऊपर अंडरनीथ होती है। क्या होती है बेटा? अंडरनीथ। दैट मीन्स ऐसे करके रखी हुई होगी की, ठीक है। जैसे ही आप की को प्रेस करोगे, मैं कह रहा हूं जैसे ही आप की को क्या करोगे बेटा? प्रेस। सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जैसे ही आप की को प्रेस करोगे, सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, सिग्नल सेंड होगा किसको बेटा? माइक्रो प्रोसेसर को। सिग्नल सेंड होगा किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। दोबारा सुनो, नीचे आपके पास की मैट्रिक्स रखा हुआ है। नीचे आपके पास क्या रखा हुआ है बेटा? की मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के ऊपर कीज आपके पास ऊपर रखी हुई है। जैसे ही आपने की को प्रेशर देके प्रेस करा, सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। सिग्नल सेंड हो गया। किसको सेंड हो गया बेटा? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर के पास एक ऑलरेडी मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं आस्की टेबल। क्या बोलते हैं बेटा? आस्की टेबल। उस आस्की टेबल से माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा। अगर लेट सपोज 01 आया है, तो 01 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी ए, तो वो क्या प्रिंट कर देगा बेटा? ए प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? ए प्रिंट कर देगा। अगर लेट सपोज तुमने की प्रेस करी है टी, सिग्नल आया है टी का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास आया। फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल आया, माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी मेमोरी यानी कि आस्की टेबल से कंपेयर करा। जैसे ही कंपेयर किया तो पता लगा 0010 टी का नाम है। किसका नाम है बेटा? टी का। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्या? टी। स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्या? टी। स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्या? टी। समझ आइए सबको। अगर आप और डायग्राम देखो, ये देखो, जब तक सर्किट कम जब तक कि आपने की प्रेस नहीं करी, सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट। व्हेन यू प्रेस अ की तो सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सिग्नल सेंड होगा किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को कंपेयर करेगा आस्की टेबल से, और जो भी कैरेक्टर होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। क्लियर है भाई? सारे पॉइंट्स में लिखे हैं कैसे कीबोर्ड काम करता है, देख लो। कीबोर्ड में स्विचेस और सर्किट होते हैं। नीचे क्या बिछी हुई होती है बेटा? की मैट्रिक्स। उसके बाद ईच सर्किट इज ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब जब तक तुमने प्रेस नहीं करा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। व्हेन की प्रेसेस, सर्किट इज कंप्लीट एंड सिग्नल इज सेंड। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा लोकेशन ऑफ सिग्नल और उसको देखेगा कि भाई कौन सा सिग्नल आया है, और जैसे ही वो अल्फाबेट होगा उस कैरेक्टर कोड को क्या करेंगे हम? प्रिंट कर देंगे। क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं है? चैट पे बताएं। बच्चों क्लियर है? जी जी सर। चल अब आ जाए मैं टच स्क्रीन। चलो, नजर आ रहा है टच स्क्रीन? आयरा हस्ती जवेरिया अहमद शाकिर, टच स्क्रीन स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको? यस और जी जी नो? सर, नजर आ रहा है। आइए बेटा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन आर देयर। मैं कह रहा हूँ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन आर देयर। कितने तरीके की टच स्क्रीन होती है आपके पास बेटा? तीन। टच स्क्रीन का पहली टाइप होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, की दूसरी टाइप होती है इंफ्रारेड टच स्क्रीन, की तीसरी टाइप होगी क्या? रेजिस्टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन आर देयर? थ्री। नंबर वन कैपेसिटिव, नंबर टू इंफ्रारेड, नंबर थ्री व्हाट? रेजिस्टेंस। याद रखना सबसे बेस्ट होती है क्या? इंफ्रारेड। उसके बाद रेजिस्टिव होगी, और उसके बाद क्या होगी बेटा? कैपेसिटिव। अच्छा, टच स्क्रीन जो है वो तीन तरीके से इनपुट लेती है। एक नंगी उंगली से इनपुट लेगी यानी कि बेयर फिंगर, देखो मेरी हाथ देखो, ये होता है बेयर फिंगर, ठीक है। दूसरा ग्लव्स पहने हुए होंगे सर्दी में, तो ग्लव फिंगर से भी इनपुट ले सकता है। और तीसरा होता है पेन। देख लो, ये मैं आईपैड पे जब मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने आईपैड पे जो ये पेन इस्तेमाल करके टच करता हूँ, इस पेन को बोलते हैं स्टाइलस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइलस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइलस। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? स्टाइलस। तो हुआ क्या, देयर आर थ्री वेज टू गिव इनपुट टू टच स्क्रीन। नंबर वन बेयर फिंगर, नंबर टू ग्लव फिंगर, नंबर थ्री व्हाट? स्टाइलस। नंबर थ्री क्या? स्टाइलस। ठीक है, आइएगा बेटा, पहली टच स्क्रीन का नाम है क्या? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर
ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन में चारों तरफ से, इस स्क्रीन में चारों तरफ से करंट फ्लो हो रहा होगा। इस स्क्रीन में चारों तरफ से क्या फ्लो होगा बेटा? करंट। इस स्क्रीन में चारों तरफ से क्या फ्लो हो रहा होगा बेटा? करंट। इस स्क्रीन में चारों तरफ से क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट। और ये जो स्क्रीन है इसकी लेयर होगी कंडक्टिव, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो लेयर कौन सी है बेटा? कंडक्टिव। जैसे ही तुमने टच करा, जैसे ही तुमने अपनी नंगी उंगली से टच करा, चार्जेस तुम्हारे ट्रांसफर होंगे किस में बेटा? फिंगर से किस में बेटा? स्क्रीन में। इस पॉइंट को डिटेक्ट करने वाला कौन होगा? सेंसर। इस पॉइंट को डिटेक्ट करने वाला कौन होगा? सेंसर। सेंसर डिटेक्ट करेगा कौन सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिटेक्ट हुआ है, कौन सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, कौन सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिटेक्ट हुआ है, कौन सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिटेक्ट हुआ है। एम आई क्लियर? दोबारा बताओ बेटा, जरा बताओ, कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर, कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर जो स्क्रीन है वो स्क्रीन की लेयर कौन सी है बेटा? कंडक्टिव। कौन सी लेयर है बेटा? कंडक्टिव। चारों तरफ से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। चारों तरफ से क्या फ्लो हो रहा है बेटा? करंट। जैसे ही तुमने टच करा, चार्जेस ट्रांसफर हो गए फ्रॉम फिंगर, और इस बात को डिटेक्ट करेगा कौन? सेंसर। कौन डिटेक्ट करेगा? सेंसर। सेंसर इस एक्स और वाई पोजीशन पे, बेटा यहाँ पे सब एक्स और वाई पोजीशन होगी ना कोऑर्डिनेट की, सेंसर इस एक्स और वाई पोजीशन को क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। एवरीवन क्लियर? यस और नो? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? कैपेसिटिव टच स्क्रीन के एडवांटेज, क्या एडवांटेजेस हैं? गुड विजिबिलिटी इन सनलाइट, मल्टी टच, बोलो क्या, धूप में अच्छा दिखेगा, और मल्टीपल टच हो सकता है, एक ही स्क्रीन को दो तीन दफा, दो तीन तरीकों से या दो तीन वेव में, एक ऊपर वाली उंगली से, एक नीचे वाली उंगली से, दोनों जगह से मल्टी टच सपोर्ट करेगा। कैपेसिटिव टच स्क्रीन का डिसएडवांटेज क्या है? ग्लव्स पहने भी फिंगर सपोर्ट नहीं करता, स्क्रीन विल ब्रेक और शटर इजीली। डन बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर? जल्दी बताएं। चलो आगे, कोई बता ही नहीं रहा। जी सर, आ गया। चले चले, नेक्स्ट टच स्क्रीन आपके पास होती है कौन सी बेटा? सबसे बेस्ट इंफ्रारेड। पहले रेजिस्टिव पढ़ाऊंगा फिर इंफ्रारेड पढ़ाऊंगा। देखिए रेजिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर क्या होता है, रेजिस्टिव इज अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन जिसमें दो लेयर होगी। पहली ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे टॉप लेयर, इसको आपने क्या बोला? टॉप लेयर। नीचे वाले लेयर को आप क्या बोलेंगे? बॉटम लेयर। सही, दोनों लेयर बिल्कुल करीब है, बट सर्किट क्या है अभी तक? इनकम्प्लीट। सर्किट क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट, दोनों आपस में टच नहीं हो रही होगी। ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे टॉप लेयर, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे बॉटम लेयर। जब तक कि आपने टच नहीं करा, सर्किट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट। जैसे ही तुमने टच कर दिया, दोनों लेयर आपस में कनेक्ट हो गई और सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। जहां पर तुमने टच करा है वहां पर सर्किट चेंज होगा, और उस चेंज होने वाली पोजीशन को, उस चेंज होने वाले कोऑर्डिनेट को आप क्या कर लोगे? लोकेट कर लोगे। उस एक्स और वाई पोजीशन को आप क्या कर लोगे बेटा? लोकेट कर लोगे। एवरीवन क्लियर? अहमद शाकिर अहमद शाकिर, रेजिस्टिव के अंदर कितने तरीके की स्क्रीन होती है, कितने तरीके लेयर होती है? शायद दो लेयर। कौन कौन सी? एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर। ऊपर की लेयर को बोलते क्या है? टॉप लेयर, और सर बॉटम लेयर को बोलते हैं बॉटम लेयर। जब तक मैं टच नहीं करूंगा, जब तक मैं टच नहीं करूंगा तो सर्किट क्या होगा? देखो, जब तक मैं टच नहीं करूंगा तो सर्किट क्या होगा? इनकम्प्लीट। जैसी मैंने टच कर दिया, सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। जहां पर मैंने टच करा है ना, जहां पर मैंने टच करा है वहां पर चीजें क्या होंगी बेटा? जहां पर मैं टच कर रहा हूँ उस कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कहां पर टच हुआ है। क्लियर है बच्चों?
रेजिस्टिव टच स्क्रीन के एडवांटेज चीप होती है, स्टाइलस इस्तेमाल होता है। स्टाइलस क्या होता है बताओ, ये जो मेरे हाथ में, ठीक है, ग्लव्ड फिंगर पे सपोर्ट करता है। पुअर विजिबिलिटी इन सनलाइट और नॉट अलाउ मल्टी टच पे भी इतना अच्छा काम नहीं करता। बच्चों मैंने आपको दो तरीके की टच स्क्रीन पढ़ा दी, देख लें, आपको कैपेसिटिव करा दिया, मैंने आपको रेजिस्टिव करा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैं इंफ्रारेड कराऊंगा, अब मैं फिर इंफ्रारेड कराऊंगा, नहीं सर कोई मसला नहीं। चलो इंफ्रारेड थर्ड बेस्ट टच स्क्रीन। सर आपका नेट थोड़ा वो स्लो चल रहा है, हो ही नहीं सकता जी सर, आपके रेड लाइट दिखा रही है, रेड सिग्नल्स। चले इंफ्रारेड टच स्क्रीन में आपके पास, इधर देखें, नजर आ रहे हैं ना सबको बेटा, आपके पास ये स्क्रीन है, स्क्रीन में इनविजिबल, नजर नहीं आ रहा होगा, हाँ स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड बीम्स होंगी, स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड लाइट होगी। हाँ दोबारा सुनो, स्क्रीन पे इनविजिबल ग्रिड, ग्रिड का मतलब समझते हो डब्बे, ऑफ इंफ्रारेड बीम होगी, स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड क्या होगी बेटा, बीम होगी। जैसी आपने देखा ना मूवीज के अंदर, वो चोर आ रहा होता है अगर, तो क्या होती है, रेड कलर की लाइट्स पास हो रही होती है, जैसे ही चोर उस लाइट के अंदर आता है अलार्म बज जाता है, टॉट टॉट टॉट, है ना भाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी इंफ्रारेड बीम्स होंगी रेड कलर की, जैसी तुम कहीं पर टच करोगे ना फौरन से वहां पे बीम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बीम क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक होगी। सेंसर डिटेक्ट करेगा कि इंफ्रारेड बीम्स कहाँ पे ब्रेक हुई है, सेंसर डिटेक्ट करेगा इंफ्रारेड कहाँ पर ब्रेक हुई है, और इंफ्रारेड बीम जहां पर ब्रेक हुई होगी ना, उस कोऑर्डिनेट को, उस पोजीशन को, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को वो क्या करेगा, फाइंड या डिटेक्ट कर देगा। एवरीवन क्लियर, यस और नो? जी सर। आसान है मुश्किल है इंफ्रारेड बीम्स? आसान। मुनीम सर मुझे जरा ये वापस बता दें, इंफ्रारेड बीम्स ब्रेक्स वाला मैं समझ नहीं। जब मैं सवाल पूछ रहा होता हूँ जब तुम बोलते हो वापसी बता दे। सॉरी सर। मुनीम इंफ्रारेड बीम्स के अंदर स्क्रीन में इनविजिबल ग्रिड ऑफ क्या होंगे बताओ? रेड बीम्स मतलब इंफ्रारेड बीम्स, इंफ्रारेड बीम्स होंगे, यानी कि इंफ्रारेड रेड लेजर बीम होंगे, बट वो क्या होंगे, इनविजिबल, नजर आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मुनीम जैसे ही तुम टच करोगे ना, तो सेंसर वहां पर क्या करेगा, इंफ्रारेड बीम्स ब्रेक हो जाएंगी भाई, ऑब्वियसली बात है, लाइट होगी, जैसे तुमने टच किया वो ब्रेक हो गए ना, जहां वो ब्रेक हुए हैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। कौन डिटेक्ट करेगा? सेंसर। कौन डिटेक्ट करेगा? सेंसर। क्लियर है भाई? जी सर। हस्ती समझ आ रहा है? आयरा, जबीरिया, मुनीब? अच्छा, इंफ्रारेड की फायदे सुन लो। इंफ्रारेड बीम सबसे बेस्ट होती है, गुड विजिबिलिटी इन सनलाइट, गुड ड्यूरेबिलिटी, मल्टी टच, ग्लव फिंगर को भी सपोर्ट करेगा, एक्सपेंसिव है ना, तभी तो बेस्ट है, और सेंसिटिव है बस, क्या है बेटा, सेंसिटिव टू डस्ट। डन। बच्चों कोई मसला तो नहीं है टच स्क्रीन में? नहीं सर। हमने डैश टच स्क्रीन आप दिया 3। मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताना कि अगर किसी के अंदर टॉप और बॉटम लेयर है जिसको तुम टच करोगे सर्किट कंप्लीट होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव या इंफ्रारेड? रेजिस्टिव। मुझे बताओ, इनविजिबल ग्रिड है, इनविजिबल ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड बीम्स है, किसकी बात कर रहा हूँ, इंफ्रारेड की। मुझे बताओ, ग्लव्ड फिंगर को भी कौन सपोर्ट करता है? रेजिस्टिव। मुझे बताओ, नहीं ग्लव्ड फिंगर, हाँ रेजिस्टिव करेंगे, हाँ। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है, एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा महंगा कौन है? इंफ्रारेड। मुझे बताओ चारों तरफ से फोर कॉर्नर से करंट फ्लो होगा, जैसे मैं
टच करूंगा सर्किट कंप्लीट, सर्किट चेंज हो जाएगा, ये किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? चारों तरफ से करंट फ्लो हो रहा होगा, जैसे तुम अपनी उंगली से टच करोगे चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे और सेंसर डिटेक्ट कर देगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? कैपेसिटर। किसकी बात कर रहा हूँ? कैपेसिटर। सही है बच्चों? एनी प्रॉब्लम? हाउ मेनी वेज टू गिव इनपुट टू द टच स्क्रीन? जल्दी बताओ, टच स्क्रीन को इनपुट देने के कितने तरीके हैं? बताएंगे सर? तीन तरीके। सही, बेयर फिंगर, ग्लव्ड फिंगर और स्टाइलस। ये कैपेसिटिव के बारे में कुछ पॉइंट लिखे, मैं आराम से देख लो, पास पेपर के अंदर आए। कैपेसिटिव कंडक्टिव लेयर है, अलाउ स्टैटिक चार्जेस है। सही है, चारों कॉर्नर से स्क्रीन पे आएगा। व्हेन फिंगर और स्टाइलस टच द स्क्रीन, करंट क्या होगा? चेंज होगा और चार्ज ट्रांसफर होंगे किसमें बेटा? फिंगर। लोकेशन ऑफ टच कैलकुलेट होगा, कोऑर्डिनेट डिटेक्ट हो जाएगा। बेनिफिट क्या है? गुड विजिबिलिटी, सनलाइट, वेरी ड्यूरेबल, अलाउ मल्टी टच। ड्रॉबैक क्या है बेटा? स्क्रीन विद शेल्टर ब्रेक हो जाएगा, कैन नॉट यूज वेयरिंग द ग्लव, ग्लव फिंगर को सपोर्ट नहीं करेगा। इंफ्रारेड के बारे में भी वही सब पॉइंट लिखे, मैं ये सब ऊपर में लिखवा चुका हूँ, और रेजिस्टिव के बारे में भी लिखे। एग्जाम में ये सवाल आया था कि कौन सी जगहें हैं जहां पर टच स्क्रीन इस्तेमाल होती है। आपको मुझसे बेहतर पता है, कोई भी टिकट कलेक्शन करना हो, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन डेस्क हो, चाहे बैंक हो या कोई और कार्ड वार्ड बनाना हो, तब भी एयरपोर्ट पे क्या यूज होगा? टच स्क्रीन। मोबाइल फोन के अंदर टैप के अंदर टच स्क्रीन होती है। कंट्रोल रूम यानी कि कैमरा मेमर को अगर देखना हो तो भी क्या यूज होगा? टच स्क्रीन। मेरे लैपटॉप टच स्क्रीन, आईपैड टच स्क्रीन, मोबाइल टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में टाइम बच जाता है ना, जो भी काम करना है वहां पर टच करो, निकल जाओ। सही। नेक्स्ट आ जाओ भाई माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपके पास एक ऐसी चीज है, मेरे पास होगा बच्चे, माइक्रोफोन एक आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड को कन्वर्ट करती है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल वेव्स। मैं जो ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, मैं अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहा हूँ, ये आवाज कंप्यूटर के अंदर माइक से जा रही है। सही है, और अगर मैं एक्सटर्नल माइक लगा लूंगा तो वो कहलाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? मेरी आवाज को यानी कि मेरे साउंड को कन्वर्ट करेगा किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल वेव्स यानी कि एनालॉग। मेरा जो साउंड होगा माइक्रोफोन का, वो क्या होगा बेटा? एनालॉग होगा। एनालॉग साउंड को एडीसी से, एनालॉग साउंड को किससे बेटा? एडीसी से कन्वर्ट करके किसमें दे देगा? डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल साउंड। डिजिटल का मतलब कौन सा डेटा बेटा? इलेक्ट्रिकल डेटा। जल्दी से बताओ मुनीम, माइक्रोफोन की वन लाइन की डेफिनेशन बताओ। माइक्रोफोन किसको किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? इनपुट साउंड को डिवाइस में चेंज होता है। किसको किसमें करता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। बिल्कुल, साउंड को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो मेरे पास है माइक, ये देखो, दिख रहा माइक? ये फिल्टर होता है, ये माइक नहीं बेसिकली, ये फिल्टर है ताकि मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन ना आए, माइक निकाल। आपका भाई भी पॉडकास्ट बनाता है ना, माइक वाइक होते हैं। ये दिख रहा है माइक ना आपको? सब बच्चों को दिख रहे हैं ना? ये होता है माइक, इसको बोलते हैं कंडेंसर माइक। कौन सा माइक है बेटा? ये कंडेंसर माइक। इस माइक के आगे ये लग जाता है ना? ये क्या होता है भाई? ये तो बेसिकली मेरी आवाज को फिल्टर करेगा। हाँ, ऐसे लगाते हैं, दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब मैं जो भी बात करूंगा ना, डायरेक्ट माइक तक नहीं जाएगी, माइक के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही होगी पंखे वगैरह, यहाँ से फिल्टर है, आवाज क्लियर होती है इसमें से। सही, ये जो माइक होता है ना, जो पॉडकास्टिंग में ये जितने भी लोग यूट्यूबर वगैरह होते हैं, वो ऐसे माइक इस्तेमाल करते हैं, और इन माइक को हम बोलते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंडेंसर माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन। क्लियर है ना सबको? दिख रहा है कंडेंसर माइक्रोफोन?
चलो भाई, माइक्रोफोन के अंदर होता क्या है? आओ इधर, माइक्रोफोन के अंदर अगर आपको कोई समझाए, देखो सिंपल बात बताऊं, माइक्रो कंडेंसर माइक्रोफोन के अंदर चेंज इन कैपेसिटेंस होगी, डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर चेंज इन करंट होगी। दोबारा सुन लो, कंडेंसर माइक्रोफोन में चेंज होगी कैपेसिटेंस, और डायनेमिक माइक्रोफोन में क्या होगा? चेंज होगा क्या? करंट। अच्छा भाई ठीक है, अब आ जाए डायग्राम में। बेटा डायग्राम के अंदर ये देखो, ये तुम्हारे पास माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर सेंटर में तुम्हारे पास एक कॉइल होगी, सेंटर में तुम्हारे पास क्या होगी बेटा? कॉइल। सारा गेम कॉइल का है। कॉइल पे आपके पास मैग्नेट अटैच होगा, कॉइल में आपके पास क्या अटैच होगा बेटा? मैग्नेट। कॉइल में क्या अटैच होगा आपका? मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के साथ ये जो ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ ना, ये होता है डायफ्राम। ये क्या होता है बेटा? डायफ्राम। ये क्या होता है बेटा? डायफ्राम। अच्छा, जैसे ही बेटा इधर देखो, जैसे ही इनकमिंग में साउंड वेव आएगी ना, ये इनकमिंग पोर्शन है, ये आउटपुट पोर्शन है, ठीक। दोबारा सुनो, ये इनकमिंग पोर्शन है, ये आउटपुट पोर्शन है, बीच में कॉइल लगी हुई है, कॉइल के ऊपर मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर क्या है बेटा? डायफ्राम, ठीक है। इनकमिंग क्या आएगी बेटा? साउंड वेव। इनकमिंग क्या आएगी? साउंड वेव। इनपुट क्या आएगा? साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब एनालॉग वेव। एनालॉग वेव अगर स्लो आ रही होगी ना, तो वो कॉइल से टकराएगी और डायफ्राम क्या होगा? वाइब्रेट। डायफ्राम क्या होगा? वाइब्रेट। स्लो वाइब्रेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी स्लो प्रोड्यूस होंगे, सही। जोर से बोला तुमने, साउंड वेव जोर से आए, जोर से आने का मतलब कॉइल पे मैग्नेट पे टकराए और वाइब्रेट हुआ जोर से। जब जोर से वाइब्रेट होगा तो करंट भी क्या होंगे बेटा? जोर से जनरेट होंगे। क्लियर है? सुनिएगा बात, मुझे बताएंगे चैट पे आप लोग या ऑनलाइन बच्चे माइक ओपन करें, मुझे बताएं जब मैं अपने मुंह से आवाज निकालूंगा तो इनपुट क्या जाएगी बेटा? मेरी साउंड। इनपुट क्या जाएगा मेरा? साउंड। साउंड जाके किससे टकराता है भाई, जल्दी बताओ? कॉइल से। साउंड किससे टकराएगा? कॉइल से। कैपेसिटेंस बनेगी किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। और डायफ्राम क्या होगा जल्दी बताना? डायफ्राम क्या होगा बच्चों? डायफ्राम क्या होगा? वाइब्रेट। वाइब्रेट। जितना साउंड की इंटेंसिटी होगी ना डायफ्राम, उतना वाइब्रेट होगी, क्या बनाएगा फाइनली बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कंप्यूटर के अंदर जाके डेटा स्टोर होगा। कोई मसला तो नहीं है बेटा इसका? स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ग्रुप पे डाल दो। ये सब बातें अंग्रेजी में यहाँ लिखी हुई हैं, देख लो आराम से। बेसिक इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अंदर डायफ्राम है, इनकमिंग साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशन होगी किसमें बेटा? डायफ्राम में। और वो वाइब्रेशन मैग्नेट के अंदर जाएगी, सही है। चेंज इन कैपेसिटेंस कंडेंसर में होगा, आखिर में इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्लियर है? माइक्रोफोन भी होगी। अब आ जाओ भाई सेंसर। बच्चों सेंसर का काम क्या है? सेंसर का काम है रीड करना फिजिकल प्रॉपर्टीज। रीड करना किसको बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ, एसी लगा हुआ है, तो भाई टेम्परेचर हो रहा है ना, टेम्परेचर के अंदर एक एसी के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर। सेंसर इतने छोटे छोटे होते हैं चिप की तरह, ठीक है। सेंसर हमेशा याद रखना इनपुट डिवाइस है। सेंसर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। सेंसर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। सेंसर रीड करता है एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट के लिए हम वर्ड रखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या रखते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक कोई मसला है? नहीं सर। अब सेंसर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो मेजर करता है या रीड करता है किसको बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जब भी सेंसर की बात करोगे ना, सेंसर जो भी वैल्यू सेंस करेगा वो किसमें होगी बेटा? एनालॉग में।
हम उस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर के डेटा में, और कंप्यूटर के डेटा को मैं क्या बोलता हूँ, डिजिटल। कन्वर्टर का नाम क्या होगा? एडीसी। कन्वर्टर का नाम क्या होगा? एडीसी। कन्वर्टर का नाम क्या होगा? एडीसी। सही है? अब आ जाओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसर आर देयर? बेटा एक टेम्परेचर सेंसर होगा जिसका काम होगा कंट्रोल करना सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, यही टेम्परेचर सेंसर केमिकल प्रोसेस को भी करेगा। एक होता है मॉइस्चराइज, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी लेवल इन अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस पता है ना, जब प्लांट वगैरह रखते हैं। सही। नेक्स्ट होता है लाइट सेंसर, लाइट सेंसर की एप्लीकेशन भी कोई होगी, स्ट्रीट लाइट के अंदर कर लो, ग्रीन हाउस के अंदर कर लो, हेड लाइट ऑफ कार को भी कंट्रोल करना, ये सब सेंसर की फीचर है। इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड का मतलब क्या है जरा बताओ बेटा? इंफ्रारेड के अंदर रेड लाइट मूव हो रही होगी, जैसे ही तुम टच करोगे या कोई चीज टच करेगी तो अलार्म बच जाएगा। कंट्रोलिंग डोर्स इन अ शॉपिंग मॉल। प्रेशर सेंसर, प्रेशर सेंसर कहाँ पे यूज होगा? गैस का प्रेशर रिलेटेड टू प्रोसेस को देखने के लिए, ये बड़ा आसान ही थी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। साउंड सेंसर, हाँ, बर्गर अलार्म सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होगा। नॉइस ऑफ लिक्विड ड्रिपिंग फ्रॉम अ पाइप, इसमें भी साउंड इस्तेमाल होगा, जैसे ही अगर पाइप में से पानी निकलेगा ठक करके बच जाएगा सब। गैस सेंसर, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन इन वाटर, हाँ, गैस वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए CO2 और O2 मॉनिटरिंग। CO2 लीक तो नहीं हो रही पावर स्टेशन पे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH का मतलब होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब कि भाई ये तो खैर केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट उसके अंदर एक एसिड और बेस की नेचर होती है, और एसिडिटी और अल्कलिनिटी को देखना ग्रीन हाउस में, और मॉनिटरिंग पॉल्यूशन इन वाटर। एग्जाम में आ सकता है कुछ भी भाई, वैसे सवाल देखा कि केमिकल फैक्ट्री है, उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर बताओ, केमिकल फैक्ट्री के अंदर बताओ कौन सा सेंसर सजेस्ट करोगे। हाँ, गाड़ी को आप रोकते हो ना, कार के जो ब्रेक्स के अंदर होता है वो कौन सा होता है? मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इन्वॉल्व इन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। एवरीवन क्लियर बेटा? कोई मसला तो नहीं है? सर हमारे सिलेबस में IR सेंसर इंक्लूडेड है। IR नहीं, इंफ्रारेड ये वाला, हाँ है, है। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेंसर। बोर्ड पर देखिए, मैंने कहा मैकेनिज्म या वर्किंग ऑफ सेंसर, वर्किंग ऑफ सेंसर, मैकेनिज्म या वर्किंग ऑफ सेंसर। आइए बेटा याद रखना, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, जो भी तुम वैल्यू सेंस करते हो ना, जो भी तुम क्या करोगे, वैल्यू सेंस करोगे, वो किसमें होगी बेटा? एनालॉग। आप उस एनालॉग से कन्वर्ट करते हो किसमें बेटा? डिजिटल में। और हस्ती कन्वर्टर का नाम बताओ क्या होगा? हस्ती कन्वर्टर का नाम यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? सही। अब याद रखना, ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको बोलते हैं न्यू सेंस वैल्यू। इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे? न्यू सेंस वैल्यू, है ना भाई? ये वो वैल्यू है जो कि आपने अभी के अभी रीड करी है। इस वैल्यू को आपने क्या बोला बेटा? न्यू सेंस वैल्यू। इस वैल्यू को आपने क्या बोला? न्यू सेंस वैल्यू। ऐसी है ना भाई? उसके बाद अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी एक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर MP लिख रहा हूं, MP स्टैंड फॉर माइक्रो प्रोसेसर, स्टोर्ड वैल्यू। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक और इस वैल्यू स्टोर होगी, उसको हम बोलेंगे प्री डिफाइंड वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? प्री डिफाइंड वैल्यू। उसको मैं क्या बोलूंगा?
प्री डिफाइंड वैल्यू, क्या बोलूंगा? प्री डिफाइंड वैल्यू, क्या बोलूंगा? प्री डिफाइंड वैल्यू। तो जल्दी से बताओ मुझे मुनीब, कितनी वैल्यू आ गई है आपके पास? जो आपने रीड करी है ना उसको आपने बोला न्यू सेंस वैल्यू, और जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, ये ऑलरेडी स्टोर है, हाँ, जो ऑलरेडी स्टोर होगी उसको क्या बोलूंगा मैं? प्री डिफाइंड वैल्यू, क्या बोलूंगा? प्री डिफाइंड वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा पता है? थर्ड पॉइंट में ये दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर होंगी। कौन कौन सी बेटा? कंपेयर, हाँ, न्यू सेंस वैल्यू, किससे होगी बेटा? टू, किससे? प्रीडिफाइंड वैल्यू से। दोबारा सुन लो, न्यू सेंस वैल्यू किससे कंपेयर होगी भाई? प्रीडिफाइंड वैल्यू से। मैंने कहा माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा न्यू सेंस वैल्यू को किससे बेटा? प्रीडिफाइंड वैल्यू से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? पॉइंट नंबर 1, 2, 3 सही है बिल्कुल? जल्दी बताएं जी सर, कोई मसला? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? हाँ नहीं सर, कोई मसला नहीं। पक्की बात है? चलिए अब क्या होगा, अब आपके पास, अच्छा प्री डिफाइंड वैल्यू जो आपके पास होती है ना, ये क्या होती है? तो आपने पूछे ही, प्री डिफाइंड वैल्यू हमेशा रिजेक्टेड वैल्यू होगी, नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? नॉट एक्सेप्टेबल, हाँ, यानी कि ये वो रेंज होगी जिसमें जो भी डेटा आएगा ना वो डेटा क्या होगा? एक्सेप्ट नहीं होगा। हमेशा के प्री डिफाइंड वैल्यू में जो भी डेटा आएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा सर, एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि प्री डिफाइंड वैल्यू को मैं दूसरे अल्फाज में रिजेक्टेड डेटा भी बोल दूं, रिजेक्टेड है ना भाई, जब एक्सेप्टेड नहीं होगा तो रिजेक्टेड होगा, सही है? यहां तक कोई मसला है? अब फॉर एग्जांपल न्यू प्री डिफाइंड वैल्यू आपके पास है 6 से छोटी, यानी कि लेस देन 6, हाँ, और ग्रेटर देन 10, ये दो प्री डिफाइंड वैल्यू, 6 से छोटी, हाँ, अच्छा भाई, ये सारे के सारे रिजेक्टेड होंगी भाई, है ना भाई, ये सारे के सारे रिजेक्टेड होंगी, और 10 से बड़ी भी सारे के सारे क्या होंगी बेटा? रिजेक्टेड। बच्चों ये एग्जांपल समझ आ रही है सबको? प्री डिफाइंड वैल्यू मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 से छोटे सारे नंबर रिजेक्ट होंगे, 10 से बड़े सारे नंबर भी क्या होंगे बेटा? रिजेक्ट। अब न्यू सेंस वैल्यू आपके पास आई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या बेटा? 7, क्या आई है? 7, आपने 7 को कंपेयर करा, 7 तो यहां पर आया, 7 क्या होगा जल्दी बताओ? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? बोलो 7 क्या होगा? चलिए जी बोले यार, टाइम नहीं मिलता। नो एक्सेप्टेड। क्या होगा? एक्सेप्टेड, सही है ना? तो याद रखना, अगर न्यू सेंस वैल्यू आउटसाइड द, दोबारा सुन लो, इफ न्यू सेंस वैल्यू आउटसाइड द, आउटसाइड का मतलब है ये प्री डिफाइंड वैल्यू के अंदर ना आए, क्योंकि अगर प्री डिफाइंड वैल्यू के अंदर आ गई तो क्या हो जाएगा बच्चों? रिजेक्ट हो जाएगा। प्री डिफाइंड वैल्यू के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट आएगा। तो न्यू सेंस वैल्यू शुड बी आउटसाइड द प्री डिफाइंड वैल्यू, न्यू सेंस वैल्यू शुड बी आउटसाइड द प्री डिफाइंड वैल्यू, न्यू सेंस वैल्यू शुड बी आउटसाइड द प्री डिफाइंड वैल्यू, ऐसी है ना भाई? अगर आपको एक्सेप्ट करवाना है, अहमद शाह के जवाब देना मुझे, अगर तुम्हें डेटा को एक्सेप्ट करवाना है तो न्यू सेंस वैल्यू को इनसाइड प्री डिफाइंड वैल्यू रखूंगा, अगर इनसाइड रखूंगा तो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना? जी सर, सही। और अगर आउटसाइड रखूंगा तो डेटा क्या होगा बेटा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होगा। मुनीम मेरे साथ हो आप? मुनीम सर, अगर जैसे इसका मतलब जैसे न्यू सेंस को प्री डिफाइंड से बड़ा होना चाहिए और वो उससे वो होना चाहिए, हाँ कम होना चाहिए, बिल्कुल सर। मुझे ये बता दें कि
predefined value कौन judge करता है कि ये not acceptable या rejected? It is already stored in our computer or it is already stored in our device. और हमेशा predefined value क्या होती है? Not acceptable. सही? Range होती है कि भाई इसमें नहीं आना चाहिए. ठीक? ठीक है. मुनीम मुझे बात बताओ कि new sense value predefined value के inside होगी outside होगी? Inside होगी. हाँ? आउटसाइड होगी. आउटसाइड होगी तो एक्सेप्ट होगी, सही कह रहा हूँ. और अगर इनसाइड होगी तो क्या होगी? रिजेक्ट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो मनी और ग्रुप पे डालो जो भी मैंने भेजा. ठीक हो गया बच्चों, याद रखना. अब मैं इसको तरीके से लिखवाता हूँ. ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, फॉर्मेट भी मैं लिखवाता हूँ. अब देखो, अब मैंने कहा इफ इफ न्यू सेंस वैल्यू इज आउटसाइड. आउटसाइड किसके बेटा? प्री डिफाइंड वैल्यू. है ना? न्यू सेंस वैल्यू क्या होगी बेटा? आउटसाइड प्री डिफाइंड वैल्यू. दैट मींस ये एक्सेप्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट होगा, अब यहां पर दो सिस्टम बनने जा रहे हैं. अब यहां पे कितने सिस्टम बनने जा रहे हैं बेटा? तो सही, पहला आपका जो सिस्टम होगा वो होगा मॉनिटरिंग सिस्टम. कौन सा सिस्टम बेटा? मॉनिटरिंग सिस्टम. दूसरा जो सिस्टम बनने जा रहा है उसको आप क्या बोलते हो? कंट्रोल सिस्टम. पहला जो सिस्टम होगा वो होगा मॉनिटरिंग सिस्टम. क्या होगा? मॉनिटरिंग सिस्टम. मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है मुनीब? डेटा को व्यू करना ना. जी सर. मॉनिटर करना ना, और उसकी मोटर को ऑन या ऑफ करना. मोटर को ऑन या ऑफ करना कौन सा सिस्टम कहलाएगा? कंट्रोल सिस्टम. कौन सा सिस्टम कहलाएगा? कंट्रोल सिस्टम. दोबारा सुनो, एलसीडी पे, एलईडी पे चीजों को डिस्प्ले करना. एलसीडी पे, एलईडी पे चीजों को क्या करना? डिस्प्ले करना. हाँ, अलार्म को ऑन कर देना या अलार्म को ऑफ कर देना. ठीक है, व्यू दिखाना. ये सब किस कौन से सिस्टम में आएगा बेटा? शो करवाना. किस में आएगा बेटा? मॉनिटरिंग सिस्टम में. किसमें आएगा बेटा? मॉनिटरिंग सिस्टम में. हाँ, अब आ जाओ मोटर की बात करते हैं. मोटर का एक और नाम होता है एक्चुएटर. एक्चुएटर को ऑन करो या एक्चुएटर को ऑफ करो. हाँ, यानी कि एक्शन परफॉर्म करवाओ. क्या परफॉर्म कराओ बेटा? एक्शन. एक्शन परफॉर्म कराएं तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? कंट्रोल सिस्टम. क्या कहलाएगा? कंट्रोल सिस्टम. Everyone clear? Yes or no? Exam में सबसे ज्यादा important ये है sensor और sensor की बाकी. इसका screenshot ले लें. Done? आ रहा समझ आ रहा है जवेरिया? जी सर. स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दिया ना. अच्छा भाई, एग्जाम में ये सवाल आया था, आराम से देख. फिश टैंक के, फिश टैंक. हाँ, फिश टैंक के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मस्ट बी कैप्ड 25 डिग्री. और ऑक्सीजन को कितना रखना बेटा? 20 ppm एस यूनिट पार्ट्स पर मिलियन. द टैंक कंटेन अ हीटर एंड ऑक्सीजन इन दैट. ठीक, ये टैंक है भाई. हीटर भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी लगी हुई है, सेंसर भी लगे हुए हैं. सेंसर रे और सेंसर भी दोनों को चला रहे. कौन? माइक्रो. फिश भी है प्यारी प्यारी. ठीक है, वो कह रहा है बताओ कौन से दो सेंसर इस्तेमाल होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर. मैंने कहा भाई टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सेंसर. दूसरा वो कह रहे हैं बताओ सेंसर किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर से मेंटेन करेगा टू करेक्ट कंडीशन इन फिश टैंक. करेक्ट कंडीशन की है ना, 25 तक का आपका टेम्परेचर पहुंचे और ऑक्सीजन कितना रहे बेटा? 20 का.
ये पूरी वही बातें लिखोगे आप, कौन सी देखो, द टेम्परेचर सेंसर एंड ओ टू सेंसर डेटा सेंड डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू एडीसी, एडीसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि रिसीविंग डेटा अगेंस्ट स्टोर्ड वैल्यू, स्टोर्ड वैल्यू का मतलब प्री डिफाइंड वैल्यू के अंदर है, अगर वो नहीं होगी तो डेटा को एक्सेप्ट करेगा और चीजें आगे लेके मेंटेन करेगा. सही, डीएसी क्या होता है, ट्रोअर डीएसी, एडीसी वही होता है ना, यानी सर एडीसी नहीं डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. अच्छा वापसी. एक और सवाल आया एग्जाम में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ली और आराम से पढ़े. सवाल में क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करनी है बिटवीन 6 to 8. हाँ वही वाला मैं कह रहा था, मैं ना कह रहा है सेंसर डेटा सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा अच्छा भाई ठीक है मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एडीसी से, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा रीडिंग वैल्यू अगेंस्ट 6 to 8, इफ द रीडिंग डेटा इज लेस देन 6 और ग्रेटर देन 8 आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द रेंज पे अलर्ट हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा. क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दें. भाई लास्ट टॉपिक है हमारे इनपुट डिवाइस का, वो है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड. इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इज अ स्मार्ट व्हाइट बोर्ड, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इज अ स्मार्ट व्हाइट बोर्ड जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. स्मार्ट समझते हो ना, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. इस व्हाइट बोर्ड के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और उसके अंदर हम जो भी काम करेंगे, जैसे मेरा आईपैड है ना, इसी तरीके से बड़ा सा बोर्ड होगा लाइक आईपैड, उस पर हम पेन वगैरह से काम कर रहे होंगे, स्टाइलस या पेन से मैं काम करूंगा, स्लाइड्स वगैरह इसमें बना रहा हूँगा डायरेक्ट, हाँ टूल्स इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा होगा, पेंसिल लूंगा, पेन लूंगा, कलर्ड पेंसिल लूंगा और चीजों को, फाइलों को स्टोर करूंगा पीडीएफ के अंदर. पीडीएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फाइल, जिसको तुम डिजिटल फाइल लाइक पीडीएफ एंड सो ऑन, वही काम करा और बच्चों से शेयर कर दी भाई डिवाइस. अच्छा नहीं है, है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, पहले मार्कर वार्कर से लिखने की जरूरत नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा डायरेक्ट ब्लूटूथ, थक एयरपॉड एयर ड्रॉप थक. अच्छा नहीं है, बताओ भाई बच्चों कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक. डन, हमने बेटा सारी इनपुट डिवाइस कर दी है, अब आपको ये असाइनमेंट नंबर 14 पूरा करना है. ये देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. सेंसर का सवाल है अक्टूबर नवंबर 2018 का, द मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी दी हुई है 2400, हां प्री डिफाइंड वैल्यू दी हुई, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 1, कोई सवाल है ना, सेंसर को माइक्रो प्रोसेसर का पूरा मैकेनिज्म बताना है. सेंसर क्या करेगा, वैल्यू सेंस करेगा, कन्वर्ट करेगा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, फिर माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा जो नई वैल्यू आई है उसको प्री डिफाइंड वैल्यू से, इफ न्यू सेंस वैल्यू और प्री डिफाइंड वैल्यू से क्या होगी, आउटसाइड होगी, आउटसाइड द 2400 kg, ये लिखा है ना, आउटसाइड द 2400 kg. तो मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, अलार्म या अलर्ट या साउंड हो जाएगा और जो मोटर है वो कंट्रोल सिस्टम में क्या हो जाएगी, ऑफ. क्या हो जाएगी, ऑफ. इसका स्क्रीनशॉट लें ग्रुप पे जाने बच्चों. बेटा अब आपको ये होमवर्क करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारे बच्चे होमवर्क कर लें. किसका बेटा, सेंसर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंसर आपके लिए. ये देखें एक और सेंसर का सवाल है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, आसान है. डन, जो आउटपुट डिवाइसेस बाकी हैं फिर हम वो कल कर लेंगे. सही चलिए, ये पूरा असाइनमेंट नंबर 14 करके लाइएगा आज की क्लास को, मैं यहीं पर. अच्छा ये भी देख लें स्कैनर की, कोई मसला तो नहीं है बेटा आज की क्लास में. नहीं सर, माइक में दूं आपको. सही, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.